अच्छा चलती न्यूज में आपका स्वागत है। उद्योग मंत्री तारक रामाराव ने ट्वीट पर विरोध जताते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालमोरू की धरती पर चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए थे वे अभी तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने याद दिलाया कि तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 2014 में एक बैठक में पालमोरू सिंचाई परियोजना के खिलाफ भेदभाव की निंदा की है। मोदी ने यूपीए सरकार से सवाल किया था कि क्या वे अपने 10 साल के शासन के दौरान पालमोरू की अनदोखी करके सो गए हैं। केटीआर ने कहा है कि अब 10 साल बीत चुके हैं और भाजपा सरकार ने महबूब नगर के प्रति उदासीनता दिखाई है। केटीआर ने कहा है कि 22 अप्रैल 2014 के मोदी शब्दों को याद कर रहे हैं जब उन्होंने कहा था तेलंगाना में सैकड़ों युवाओं ने अपना बलिदान दिया है, वे कांग्रेस के पाप है। अब तेलंगाना को क्या चाहिए? तेलंगाना को विकास करना चाहिए। किसानों की आत्महत्याओं को क्यों हो रही है? क्या ये हो रहा है? अगर किसानों के पास पानी है तो वे मिट्टी में सोना उगते हैं। राहुल गांधी कल आए थे, उन्होंने उपचुनाव जीतने और पालमोरू सिंचाई परियोजना को पूरा करने का वादा किया था। और अपने पिछले 10 वर्षों में क्या किया है? क्या आप परिपक्व हैं? क्या आप परिपक्व है कि वहाँ आपकी कांग्रेस सरकारी नहीं है? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने किसान के प्रवहन नहीं किए, दर्द नहीं जानते, हमारी मदद करें, हम पानी देंगे, हम बिजली देंगे। वहीं मंत्री केटीआर ने कहा है तेलंगाना के लोग इस बात से नाराज है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले पालमोरू के बारे में इतनी बातें करने वाले मोदी ने पद संभालने के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मोदी की यात्रा के विरोध में महबूब नगर में लाए गए पोस्टर का जिक्र किया। उसमें कहा गया कि अपने बारे में तेलंगाना के जन्म का अपमान किया है और आपको तेलंगाना का दौरा का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।